हेलो स्टूडेंट्स आई एम सारिका साहू असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फिनॉल वाटर फेज सिस्टम ओके इन पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स ओके सो स्टूडेंट्स प्री वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ अ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द फेज रूल्स ओके सो आफ्टर दैट दिस वीडियो वॉचिंग द वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके सो लेट स्टार्ट द फिनॉल वाटर फेस सिस्टम्स ओके देन उसके बाद में हम जितने भी वाटर सिस्टम सॉरी फेस के सिस्टम्स होते हैं वो हम देखेंगे ओके सो टुडे फिनॉल वाटर सिस्टम हम आज डिस्कस करते हैं ओके okay. अब हम देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड ठीक है अब यहाँ पर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स का यूज़ हो रहा है मतलब बोला जा रहा है मतलब कि यहाँ पर दो लिक्विड इन्वॉल्व होंगे पार्शली जो एक दूसरे में मिक्स होंगे ठीक है तो जब हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं ठीक है तो वन कंप्लीट मिसिबल वन फेज ऑकर इफ़ ये जो है पार्शली मिसिबल जो है वो एक फेज़ होता है ठीक है कब ऑकर इफ यदि टेम्परेचर और सॉलिबिलि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती तो है ठीक है तो फर्स्ट इसका एग्ज़ाम्पल है फिनॉल वाटर सिस्टम ठीक है तो ये जो फिनॉल वाटर सिस्टम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स क्योंकि ये इस बार तो आएगा ही आपको ये रट गौट के, के जाना है आएगा ही इस बार ठीक है देन सेकेंड इज़ अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है ठीक है इसका एग्जाम्पल है ट्राईथेलाम प्लस एच टू ओ ठीक है देन थर्ड वन इज़ इंक्रीज टेम्परेचर देन उसी वक्त हमको डिक्रीज टेम्परेचर ठीक है तब हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक साथ होगा तब हमारा जो सॉलिबिलिटी uh, है वो बढ़ेगा ये सिस्टम हमको देखने मिलेगा एच टू ओ और निकोटीन में ठीक है तो आपको क्या क्या याद रखना है एच टू ओ निकोटीन ट्राइथेलमाइन और वाटर uh, और एक फिनॉल और वाटर ठीक है ये तीनों सिस्टम के फेज रूल है आपको या, आ, समझ के जाना है एग्जाम में परफॉर्म करना है ठीक है सो फर्स्ट हम देखते हैं वाटर फिनॉल वाटर फेज रूल सिस्टम ठीक है इसका हमारा फंडा क्या था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिब्रिटी इंक्रीज होगी ओके तो बुक uh, में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो uh, दिया हुआ है ठीक है मैं आपको सेंड कर दूँगी आप उसमें से देख के नोट्स बना सकते हैं ठीक है तो फेज़ रूल में जो फिनॉल वाटर का जो वाटर सिस्टम है याद रखिए आप इसका जो टेम्परेचर है ये आपको याद रखना है कितना है सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस ठीक है याद रखिए सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस ठीक है सो लेट्स इस्टार्ट द फेज़ रोल ऑफ फिनॉल एंड वाटर सिस्टम ओके तो इस इसका जो हमने आ, सबसे पहले हम देखते हैं फेज रोल को बनाते कैसे हैं ठीक है ठीके? तो आप एक बॉक्स बना लीजिए ठीक है इसमें इसलिए ये फेज रोल में इसलिए बॉक्स इसलिए बनाने के लिए आप बोला जा रहा है क्योंकि तो यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे ठीक है एक जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ के लिए ठीक है ये हो गया फिनॉल और टेम्परेचर इसका इधर हो गया ठीक है अब जो दूसरा ग्राफ है वो है यहाँ से यहाँ के लिए ठीक है तो इधर जो है आपका वाटर हो गया ठीक है और ये इसका कंपोजिशन हो गया इधर इसके लिए टेम्परेचर ये हो गया वाटर के लिए ठीक है तो इस तरीके से दो ग्राफ बनेंगे ठीक है तो अब हम देखते जो फिनॉल का ग्राफ है ठीक है वो ऐसे ही जा रहा है ठीक है और जो वाटर का ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है ठीक है तो ये दोनों एक पॉइंट पे आके यहाँ पे जो है वो मिक्स हुए हैं और ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ठीक है यानी कि यहाँ पे जैसे ही हमने टेम्परेचर सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट डिग्री से ऊपर कर किया ठीक है ये जो टेम्परेचर है यहाँ से ये जो है जो लिक्विड जो दो फेज़ में था वो लिक्विड हो गया हमारा एक फेज़ में ठीक है इसको फिर से हम एक बार जानते हैं ठीक है हमने ग्राफ प्लॉट किया ठीक है एक ग्राफ यहाँ से हमने प्लॉट किया फ़िनॉल के लिए ठीक है दूसरा ग्राफ हमने इधर से प्लॉट किया वाटर के लिए ठीक है तो फिनॉल का वहाँ यहाँ ग्राफ इस तरीके इस से गया ठीक है फ़िनाल का जो ग्राफ ग्राफ है वो इस तरीके से गया ठीक है अब इसी तरीके से हमने वाटर का जो सिस्टम था उसमें से वाटर का जो ग्राफ है इस तरीके से बनाया ठीक है अब ये एक पॉइंट यहाँ पे आने के बाद में ये जो दोनों एक साथ जब ये बढ़े ठीक है तो यहाँ पे आने के बाद में इसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इसको जब मिल गया ठीक है उसके बाद में ये वन फेज़ हो गया ठीक है तो हम अभी स्टडी क्या कर रहे हैं पार्शियल मिसिबल को मिसिबल करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हम देखते हैं कि ये जो मिसिबल हुए दो फेज़ एक फेज में मिसिबल हुए तो किस टेम्परेचर के परे हुए सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस के बाहर हुए है ना एबव तो ये हमको मिल गया वन लिक्विड फेज ये मिल गया ठीक है और ये जो इसके अंदर का जो एरिया है यहाँ पे हमको क्या मिलता है टू लिक्विड फेज यानी कि आप पचास सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं पचास डिग्री तीस डिग्री चालीस डिग्री बीस डिग्री रूम टेम्परेचर तो भी ये क्या होगा टू फेज़ में ही रहेंगे ठीक है तो हमारे काम का क्या है वन फेज़ तो हमको क्या मिला इस ग्राफ से कि ये जो कर्व है ये जो कर्व बना है कौन सा कर्व ए सी बी ठीक है इसके अंदर जो है वो टू फेज रहेगा इसके बाहर जो है वो वन फेज रहेगा ठीक है तो वन फेज जो है वो हमारे काम का है ठीक है देख लेते हैं एक बार फिर से देखिए ये है फेज फेज सॉलिबिलिटी डायग्राम ऑफ वाटर फिनॉल वाटर सिस्टम ठीक है यहाँ पे कंपोजिशन देख लेते हैं फिनॉल का है ठीक है यहाँ पे जीरो परसेंट रहा होगा ट्वेंटी परसेंट थर्टी फोर परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट यहाँ पे हंड्रेड परसेंट ठीक है तो ये फिनॉल का जो कंसनट्रेशन है वो इधर बढ़ रहा है ठीक है इस साइड में ठीक है उसी तरीके से इसके अपोजिट अगर हम देखें तो इधर जो है वो वाटर का भी कंसनट्रेशन होगा ठीक है तो थर्टी फोर हंड्रेड में से थर्टी फोर अगर निकाल दिया जो तो जो इधर बच गया वो वाटर का भी कंसनट्रेशन होगा ठीक है तो इसी तरीके से हम देखते हैं क्या क्या है इसमें जानकारी बता देती हूँ मैं आपको ठीक है तो एक होता है यू सी एस टी ठीक है ये जो ऊपर का फिनॉल वाटर सिस्टम जो है वो यू सी एस टी काम करता है ठीक है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ठीक है अब देखते हैं सेकेंड द परसेंटेज फिनॉल ठीक है इसका परसेंटेज फिनॉल जो है थर्टी फोर परसेंट में ये सी एस टी को मिल जाता है ठीक है सी एस टी का जो टेम्परेचर है वो थर्टी फोर डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है देन और परसेंटेज ऑफ वाटर अब देखिए थर्टी फोर मैंने आपको बताया इधर जाने से ये थर्टी फोर परसेंट है फिनॉल का अब इधर अगर आप आते हैं तो वाटर का भी कुछ परसेंट होगा क्योंकि वाटर भी तो इसी में इधर से ऐसे प्लॉट है ना तो वाटर का थर्टी फोर परसेंट वाटर जो है वो सिक्सटी सिक्स होगा ठीक है हंड्रेड में आप थर्टी फोर हटाएँगे तो जो बच गया ठीक है तो वो वाटर uh, के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो हो गया हमारा सिक्सटी सिक्स परसेंट ठीक है ये तीनों समझ में आ गया होगा आपको ठीक अब नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है अब ये ग्राफ हमको कैसे प्लॉट करना है पता चल गया एक इधर से एक इधर से ठीक है अब उसके बाद में ये जो बीच का एक लाइन हमने डिसाइड किया है एक टेम्परेचर पे कि यहाँ तक ये मेजरमेंट करने के लिए हमको वाई वाई डैश ये जो लाइन है यह टाई लाइन जिसमें कि दोनों एकदम बराबर रहेंगे ठीक है अभी जो पॉइंट वाई है ठीक है पॉइंट वाई जो है ये वाला पॉइंट जो वाई है ठीक है फिनॉल इज वाटर कर्व ए सी ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट वाई है ठीक है ये पॉइंट वाई जो है ए सी कर्व जो है उसमें ये बना हुआ है ठीक है और जो पॉइंट वाई डैश है वो बी सी कर्व में बना हुआ है ठीक है तो ये जो ए सी कर्व है वो फिनॉल इन वाटर कर्व है ठीक है फिनॉल जो है वो वाटर में घुला हुआ है उस टाइम पे तब ये कर्व बना है और जो ये बी सी कर्व है ये वाटर इन फिनॉल ठीक है जो वाटर है वो फिनॉल में थोड़ा बहुत डिजोल्व हुआ है ठीक है तो, तो ये बी सी कर्व बना है ठीक अब इन दोनों ये जो एक्स पॉइंट है ये वाला जो एक्स पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों लिक्विड जो हैं बराबर में कॉन्जुगेट में चल रहे हैं ठीक है बीच में इनकी जो कॉन्जुगेट लेयर है दोनों जो संतृप्त जो लेयर है इनकी वो यहाँ पे दिखेगी आपको ठीक है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको कॉन्जुगेट लेयर दिखेगी ठीक है अब हम देखते हैं कर्व ए सी बी पॉइंट जेड ठीक है जो कर्व ए सी बी है क्या बोला जा रहा है एबव एबव द कर्व ए सी बी ठीक है इसके बाहर एबव तो कौन सा पॉइंट है एक जेड पॉइंट है तो ये जेड पॉइंट है वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है एक वन फेज होमोजीनियस सॉल्यूशन ठीक है यही हमारे काम का है इसी को हम स्टडी कर रहे हैं कि कब ये दोनों मिसिबल होंगे और वन फेज हमको मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो कर्व है है उसके एबव जो है वो वन फेज है ठीक है इसको आ, <coughs> मैं बुक की फोटोकॉपी भेज रही हूँ आप उससे नोट्स बना लीजिएगा ठीक है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इस बार एग्ज़ाम में आएगा ही क्योंकि आपके पिछले पेपर में नहीं आया था और उनके पहले पेपर में आया था ठीक है तो क्वेश्चन जो है एक ईयर छोड़ के रिपीट होते हैं तो इस बार ये आएगा ठीक है तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है राइट हैंड साइड में क्या होता है ठीक है ये डायग्राम क्या शो करता है क्या शो नहीं करता है कंपोजिशन के हिसाब से मींस प्रैक्टिकल अगर हम करते लैब में इसका जो प्रैक्टिकल होता है सीएसटी टेंपरेचर का आपके सिलेबस में है तो वो कैसे करते हैं ठीक है थीके? ये मैं आपको बता रही हूँ और इसके थ्रू आपको जो ये फेस डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा था वहाँ पे क्या कंजुगेट लेयर क्या होता है क्या नहीं होता है कहाँ पे ये फिनॉल होगा कहाँ पे ये वाटर होगा ठीक है तो हम देख लेते हैं इसको तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था वंस मोर अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक अकॉर्डिंग द कंपोजिशन ठीक है देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो था वो क्या था फिनॉल के लिए ठीक है तो फिनॉल ज़ीरो से हंड्रेड यहाँ पे था ठीक अब उसी तरीके से अगर फिर से हम देखें वाटर के लिए यहाँ से यहाँ तो मैंने क्या बताया था यहाँ ज़ीरो होगा तो यहाँ हंड्रेड होगा ठीक है तो यहाँ हंड्रेड परसेंट वाटर होगा ठीक है वाटर के केस में यहाँ पे टेम्परेचर होगा ठीक है और इधर जो है आपका वाटर होगा कंपोजिशन होगा इसका परसेंट होगा कितना परसेंट वाटर है ठीक तो उसी तरीके से जब इधर वाटर ज़्यादा होगा ठीक है यहाँ वाटर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम ये जो हमने टेस्ट ट्यूब यूज़ किया है यहाँ पे हमारा टेस्ट ट्यूब पूरा वाटर से फिल है ठीक है और फिनॉल के केस में यहाँ पे जो हमारा फिनॉल है वो फुल है इस टेस्ट ट्यूब में ठीक है तो अब देखते हैं इसको हम कैसे मिक्स करते जा रहे हैं कि हमको एक कॉन्जुगेट लेयर मिल जाता है ठीक है तो हमने बी पॉइंट पे इसको आ, मिक्स करना स्टार्ट किया ठीक है तो देखिए यहाँ पे आ, वो आसानी से घुल गया पता ही नहीं चला कि हमने फिनॉल को मिक्स किया है ठीक है फिर थोड़ा सा हमने आ, आ, और बढ़ाया कंपोजिशन इसका ट्वेंटी से और आगे बढ़ाया ठीक है और आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी जो लेयर है यहाँ पे देखिए आप खाली जगह आपको नज़र आएगी यहाँ पे ठीक है तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पे भी कॉन्जुगेट लेयर बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे भी आपको अच्छे से दिख रहा है कॉन्जुगेट लेयर ठीक है और यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो ये जो डी ई एफ है ठीक है यहाँ पे लगभग आपको पूरा कॉन्जुगेट लेयर जो है वो अच्छे से दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर के सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन ठीक है उसके जैसे ही ये इस ग्राफ के बाहर आया पूरा का पूरा वाटर गायब हो गया और अब फिनॉलॉल की क्वांटिटी जो बढ़ गई और फिनॉल जो है वो वाटर को पूरी तरीके से मिक्स कर चुका है अब ये पूरा फिनॉल ही बन गया है ठीक है तो कंपोजिशन को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं दोनों का एक साथ इधर वाला इधर इधर वाला इधर ठीक है तो अपने अपने कंपोजिशन के हिसाब से ये बढ़ते चले जा रहा है घटते चले जा रहा है ठीक है तो अब जैसे ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं हम ठीक है जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है ठीक है जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है इसका ये ग्राफ इसका ये ग्राफ ठीक है तो यहाँ पे जैसे ये पहुँचता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट ठीक है इसके ऊपर फिर ये हमको क्या शो करने लगता है एक फेज ठीक है यानी कि हमने इसको गर्म किया फिर गर्म किया गर्म किया गर्म किया गर्म करते करते फिर अब ये जो है गर्म करना जब हमने ज़्यादा सिक्सटी सिक्स से ऊपर कर दिया गर्म हमने ठीक है तब हमको एक लेयर ये मिल गया ठीक है इसके पहले तक क्या था कॉन्जगेट लेयर था दोनों अलग अलग अपने अपने में मिक्स नहीं थे ठीक है देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो गया ठीक है तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया इसका आ, अगर कॉन्जुगेट लेयर में हम देखते हैं तो इलेवन परसेंट यहाँ पर देखेंगे फिनॉल का और इसका सिक्सटी थ्री पॉइंट फिनॉल का ठीक है तो ये दोनों जो पॉइंट हैं इसमें कॉन्जुगेट लेयर जो है वो फॉर्म होता है ठीक है और थर्टी फोर परसेंट जो है यहाँ पे हमारा CST का टेम्परेचर फॉर्म होता है ठीक है कितने में थर्टी फोर परसेंट में ठीक है तो हमारे जानने लायक जो ज़रूरी टेम्परेचर्स हैं वो हैं एक है तब थर्टी फोर परसेंट दूसरा इलेवन परसेंट तो सिक्सटी सिक्स परसेंट ठीक है देखिए ध्यान से सिक्सटी सिक्स और इलेवन जो है इसमें हमारा टाई लाइन फॉर्म हुआ है बेस लाइन टाई लाइन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है और जो थर्टी फोर परसेंट है यहाँ से हमारा सी एस टी का कर्व सी एस टी टेम्परेचर हमको फॉर्म हुआ है ठीक है तो यही सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा वो समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको टेम्परेचर एट फिक्स हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया पचास डिग्री सेल्सियस ठीक है उसके बाद में हमने आ, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट किया ठीक है तो हमको एक पॉइंट ए मिलता है ठीक है पॉइंट ए मिलता है जिसमें कि हंड्रेड परसेंट प्योरिटी ऑफ वाटर है ये पॉइंट ठीक है देखिए यहाँ पे कहाँ है पॉइंट ए में हंड्रेड परसेंट प्योरिटी ऑफ वाटर है ठीक है उसके बाद में एडिशन्स ऑफ फिनॉल टू वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लिक्विड फेज अंटिल पॉइंट बी इज रीचेज ठीक है जब तक हमारा पॉइंट बी रीच नहीं होता ये एक फेज में ही है ठीक है देखिए ये जब तक ये पॉइंट बी नहीं आता ये वाटर का वाटर ही वाटर का वाटर ही है ठीक है जब तक ये पॉइंट बी नहीं आ जाता यहाँ तक जब हम नहीं पहुँच रहे हैं ठीक है यानी कि इलेवन परसेंट तक हम जब यहाँ नहीं पहुँचे हैं ठीक है इसके पहले इलेन इलेवन परसेंट के पहले ये पूरा क्या है वाटर ही है पूरा मिक्स कर ले रहा है फिनोल को ठीक है थोड़ा भी आ, लेयर बदल नहीं रहा है ठीक है उसके बाद में देखिए एट पॉइंट बी अपीयर्स अ सेकेंड फेज़ ठीक है जैसे ही पॉइंट बी आता है यहाँ पे सेकेंड फेज़ जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद में फ़ेज़ ए हो जाता है फेज़ बी ठीक है फेज़ ए में क्या होता है वाटर रिच फेज़ इलेवन परसेंट आते ही फेज़ uh, ए बन जाता है और जैसे ही सिक्सटी थ्री परसेंट होता है फिनॉल रिचेज़ फेज ठीक है फिनॉल जो है वो एक फ़ेज़ बन जाता है ठीक है एक फेज़ दोनों जो है एक कंटेनिंग इलेवन एंड सिक्सटी थ्री में दोनों एक एक फेज बने हुए हैं ठीक है वाटर और फिनॉल दो फेज में हमको रहे हैं देन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फिनॉल एज वी प्रोसीड अक्रॉस द डायग्राम फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी वी फॉर्म सिस्टम इन विच द अमाउंट ऑफ फिनॉल रिच फेज बी कंटिन्यूसली इंक्रीज ठीक है जो फिनॉल uh, और फिनॉल का जो फेज़ है पॉइंट बी से सी तक जाते जाते जो फिनॉल का फेज़ है वो और बढ़ जाता है ठीक है उसका अमाउंट बढ़ जाता है ठीक है अब जो है फिनॉल जो है वो बढ़ते चले जा रहा है और वाटर जो है वो उसका क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा है ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं एट द सेम द टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर रीच फेज़ ए डिक्रीजेस फिर उसके बाद हम देखते हैं सी डी ई एफ में जो वाटर और फिनॉल का फेज़ था उसमें ज, अब जो वाटर का जो फेज़ है वो डिक्रीज होना चालू हो रहा है ठीक है उसके बाद में वंस द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एक्सीड फिर उसके बाद में जो अमाउंट है सिक्सटी थ्री से जैसे ही बढ़ जाता है ठीक है फिर फिनॉल जो है uh, एक फेज़ अपने आप को बना लेता है और वाटर जो है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है ठीक है वाटर की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है फिर सिक्सटी थ्री के बाहर जैसे ही ये पहुँचता है तो ठीक है देखिए ये जो सिक्सटी थ्री है ये सिक्सटी थ्री के जैसे ही बाहर होता है वाटर जो है इधर पूरा गायब हो जाएगा ठीक है एक फेज बन के रह जाएगा ये सिर्फ़ फिनॉल के बाद देखते हैं लाइन बी सी ड्रॉन अक्रॉस द रीजन कंटेनिंग टू फेज इन टर्म्स है स्टाई लाइन ठीक है जो बी सी लाइन था उसको हम बोलते हैं टाई लाइन या बेस लाइन ये हमेशा इट इज ऑलवेज पैरलर पैरलर का मतलब होता है समानता यानी कि सीधी रेखा होती है ठीक है तो द दा, ये दाई लाइन आपको समझ में आ गया ठीक है टाई लाइन ये है ये ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये होती है टाई लाइन यहाँ से सीधी रेखा होती है ठीक है ये हमको क्यों पढ़ना है क्योंकि इसके बीच में ही हमको कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा दो लेयर मिलेगा देखने को ठीक है इसके बाद में ऑल द सिस्टम प्रिपेयर टाई लाइन एट द फिफ्टी डिग्री सेल्सियस सेपरेट इंटू द फेज ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन वे बी एंड सी दीज फेज आर टर्न एज इट कॉन्जुगेट फेज ठीक है तो ये जो फेज़ है ये क्या कहलाएगा कौन सा फ़ेज कहलाएगा कॉन्जुगेट ठीक है जिसमें कि दोनों दिखेंगे द नेक्स्ट इज टू फेज लिक्विड टू लिक्विड फेजेज इक्विलिब्रियम विथ वन एन अदर कॉल्ड कॉन्जुगेट फेज ठीक है एक फेज जो है दूसरे फेज में इक्विलिब्रियम में है यानी कि दोनों बराबरी में है ठीक है इक्विलिब्रियम का मतलब बराबरी में है ठीक है ना एक फेज़ का ज़्यादा होता है तो दूसरा फेज कम होता है दूसरा फेज़ ज़्यादा होता थे तो पहला वाला कम होता है दोनों एकदम बराबर में चल रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो फेज़ रूल है ठीक है फेज़ रूल जो है आ, बुक और ये जो मैंने आपको समझाया इसमें दोनों को आप मिला के नोट्स बना लीजिएगा ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ रूल ट्राई थेलाम का देखते हैं